दोस्तों बात करने वाले टाटा टेलीकॉम सर्विस के बारे में, मतलब टीटीएमएल के शेयर के बारे में। दोस्तों कंपनी ने टीटीएमएल के क्वार्टर वन के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस वीडियो में अपन रिजल्ट को देखेंगे कि रिजल्ट कंपनी ने कैसे जारी किए, क्योंकि भाई देखो कंपनी के रिजल्ट जो पुराने रिजल्ट थे, एक मतलब पिछले 8 क्वार्टर से कंपनी रेगुलर यहाँ पे लॉस कर रही है। एंड अभी टाइम स्टॉक दोस्तों चर्चा में बहुत है, क्योंकि तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बीएसएनएल के साथ जो डील वगैरह की अपडेट आई है, उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक ने बाउंस दिखाया। तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट के बाद रिजल्ट का इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने कंपनी के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। जो भी यहाँ पे नंबर है ये करोड़ में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे तो ईयर टू ईयर कंपेरिजन है, एंड यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर का कंपेरिजन है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे स्टॉक के जो रिजल्ट है उनको कंपेरिजन यहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखने वाले कंपनी का रेवेन्यू, मतलब कंपनी की इनकम इस क्वार्टर में कितनी देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम मतलब ये इस क्वार्टर का रेवेन्यू है, ये पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू है, लास्ट ईयर क्वार्टर का रेवेन्यू। तो दोस्तों लास्ट ईयर क्वार्टर में 283 करोड़ ने कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 283 करोड़ का रेवेन्यू आया था, एंड ये इस क्वार्टर बढ़ के हो चुका 327 करोड़। ऑलमोस्ट रेवेन्यू के अंदर दोस्तों 15% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। वही आपका जो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर का जो रेवेन्यू 324 करोड़ का 327 हो गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 करोड़ रेवेन्यू कंपनी का हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 3-4 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, बाकी रेवेन्यू सेम है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, किस क्वार्टर में कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस किया है, कितने कंपनी ने खर्च किए हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। ये इस क्वार्टर का एक्सपेंसेस है, ये पिछले क्वार्टर का था, ये लास्ट क्वार्टर का एक्सपेंसेस था। तो लास्ट क्वार्टर का दोस्तों खर्चा था कंपनी का 160 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 182 करोड़ का खर्चा था, इस क्वार्टर में 188 करोड़ का खर्चा हो चुका है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है, जिसमें भाई खर्चा भी कंपनी ने बढ़ा दिया है। अब भाई बात आती है प्रॉफिट की, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर और पिछले 8 क्वार्टर से रेगुलर यहाँ पे लॉस कर रही है। तो इस क्वार्टर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया एक बार वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे टोटल आपको लॉस कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना कर दिया वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 300 करोड़ का लॉस था, पिछले क्वार्टर 309 करोड़ का लॉस कर दिया था, इस क्वार्टर भाई 323 करोड़ का कंपनी ने अपना घाटा कर दिया है। ऑलमोस्ट जो घाटा है वो जारी है कंपनी का, पिछले क्वार्टर भी घाटा था, इसके लास्ट ईयर क्वार्टर भी घाटा किया था, इस क्वार्टर भी कंपनी ने अपना लॉस यहाँ पे बरकरार रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी रेगुलर लॉस कर रही है, एंड इस लॉस का क्या स्टॉक पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, आगे क्या चीजें नजर आएगी। तो यहाँ पे अगर बताओ मैं, जो आपका यहाँ पे मार्जिन है कंपनी का दोस्तों, वो अभी के टाइम तक मार्जिन कंपनी अच्छा कर रही है, बट जो प्रॉफिट मान के चलो कंपनी सेल्स कर रही है, कंपनी ने 100 करोड़ की सेल्स करी, अब 100 करोड़ के पीछे कंपनी अगर मार्जिन मान के चलो 30% की भी है, तो 100 करोड़ के पीछे 30 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है। अब 30 करोड़ रुपए में से कंपनी क्या करेगी, अपना खर्चा भी निकालेगी, एंड ब्याज भी भरना पड़ेगा कंपनी को जिस लोन वगैरह ले रखा है। तो भाई कंपनी खर्चा निकालती है, मान के चलो कंपनी ने खर्चा कर दिया यहाँ पे जो 30 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ, उसमें से कंपनी ने मान के चलो 10 करोड़ खर्चा कर दिया, बचा 20 करोड़। अब 20 करोड़ में से भाई ऐसा है कि कंपनी को 50 करोड़ रुपए क्या करना पड़ता है, ब्याज भरना पड़ता है। तो भाई 20 करोड़ तो ये आ गए, अब 30 करोड़ कंपनी कहाँ से लाएगी, 30 करोड़ लोन लेना पड़ेगा, फिर से कंपनी का घाटा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार कंपनी अपना घाटा बरकरार रखे हुए, कंपनी के जो मार्जिन है दोस्तों अभी के टाइम 29% के थे, पिछले क्वार्टर यहाँ पे 21% के रहे थे, उसके लॉस क्वार्टर 30% के मार्जिन हमें देखने को मिले थे। अर्निंग परसेंट की बात करूँ मैं तो इस क्वार्टर कंपनी का अर्निंग परसेंट दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.65 रुपए का हो चुका है माइनस में, एंड पिछले क्वार्टर 1.58 रुपए का था माइनस में, लास्ट ईयर 1.54 रुपए का था माइनस में। तो टोटल अर्निंग परसेंट भी टाइम माइनस चल रहा है। अगर ये कंपनी जिस दिन प्रॉफिटेबल हो गई, कंपनी का लोन कम हो गया ना भाई, ये स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 500-700 रुपए आपको जाता हुआ नजर आए, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक कंपनी बेटर है, कंपनी प्रॉफिट हर क्वार्टर कर रही है, बट भाई ब्याज कर्जा इतना है कि ब्याज में भी पूरा पैसा नहीं भर पा रही है, इतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही कि ब्याज भरे, जो प्रॉफिट होता है उसके पीछे ब्याज भरती है, उसमें कंपनी रोज यहाँ पे कर देती है। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी का अगर रेशो बताऊँ कि कितना क्या सुधार आया है, तो लोन जैसा कि आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिलेगा डेट टू इक्विटी, तो यहाँ पे कंपनी का सेम है लोन अभी के टाइम, जो 1.4 जो रेशो था वो कंपनी का कंटिन्यू सेम देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स वगैरह की, तो वो भी आप देखोगे थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वाली में बढ़ती हुई नजर आई, एसेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाली बोरिंग थोड़ी सी इस क्वार्टर में 0.02 बढ़ चुकी है यहाँ पे, एंड टोटल जो वहाँ पे जो कंपनी के फंडामेंटल थे वो भी के टाइम सेम देखने को मिल रहे हैं, कोई भी ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से रिजल्ट दोस्तों जिस प्रकार मार्केट ने अनुमान किया था उसी प्रकार के रिजल्ट है, तो स्टॉक पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे अगर जो चीज़ें चल रही है बीएसएनएल वगैरह की डील वगैरह, अगर कुछ ये चीज़ यहाँ पे और बाहर आती है तो फिर स्टॉक और अराउंड 110-112% की तेजी आगे और कैरी ऑन रह सकती है। बट जिन लोगों को प्रॉफिट हो चुका है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, प्रॉफिट को ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना है, ठीक है। एंड रिजल्ट कंपनी के जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लगाई थी वैसे ही रिजल्ट है, ना तो गिरे हुए ज्यादा है ना ज्यादा अच्छे हैं।
सेम रिजल्ट जो मार्केट को चाहिए थे। मार्केट इस पर डेफिनेटली न्यूट्रल रिएक्ट करेगा, कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिले।